तो उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टॉक के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हमको जो ये स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1% के अराउंड यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से अभी स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी आ सकती है। तो अगर यहाँ से अभी स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 114 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 120, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 135 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 145-150 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस भाई, यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 109 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 104 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 100 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 96 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट, तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।